नमस्ते सतावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत के 114 MRFV प्रोग्राम में रशियन फाइटर जेट शामिल हुए। भारतीय वायुसेना अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर भी स्पाइक NLOS को इंटीग्रेट करेगा। टाटा निर्मित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल का नया बैच पुणे सुविधा में भारतीय सेना के लिए रवाना होने के लिए तैयार है और हर वाहन की कीमत करीबन 1.8 करोड़ है और बड़े स्तर पर इनका उत्पादन किया जाएगा जिससे कि इनकी कीमतें और कम होगी। BSF और पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले में चीनी निर्मित ड्रोन को बरामद किया। भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भविष्य के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जिसमें 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर चालू हैं और 4000 मेगावाट के निर्माण कार्य में है। तुर्की अब अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट कान का 27 दिसंबर को पहली उड़ान परीक्षण करेगा और इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। साउथ कोरिया अब अपने 5th जनरेशन के KF-21 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए 5वीं पीढ़ी के जेट इंजन के निर्माण के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि 2030 से बनना शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसरो लॉन्च करने जा रहा है पहला मॉडल जो कि पूरी तरीके से रोबोटिक होगा। इसका वजन 8 टन का होगा। 2028 तक पहला मॉडल लॉन्च करने और 2035 तक पूरी तरीके से इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो प्रमुख ने कहा कि 2030 तक दूसरा मॉडल जुड़ने के बाद ही अंतरिक्ष यात्री इसमें रहेंगे। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को लेकर आ रही है यानी कि BMD को, जिसका भारत लगातार विस्तार कर रहा है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD कवरेज का विस्तार कर रहा है। हाल ही में दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में इसका विस्तार देखा गया है और ये विस्तार यानी कि जो एक्सपेंशन है वो फेज 1 के पूरा होने के तुरंत बाद हुआ है, जिसमें कि उदयपुर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान सहित जो रणनीतिक स्थान है वहां पर लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सीरीज देखी गई है। इसके अलावा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि बेंगलुरु के आसपास नई साइटें तैयार हो रही हैं, जिसमें कि ELM-2090S स्पेक्ट्रा एक ISR एयर डिफेंस रडार लगाया गया है जो कि दिल्ली NCR क्षेत्र और मुंबई के लिए है। दरअसल DRDO ने फेज 1 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और फेज 2 प्रोग्राम के तहत लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। हाल ही में फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण भी किया गया था। AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों को रोकने की भी अनुमति देती है। 2 स्टेज सॉलिड मोटर जिसमें कि स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है और AD-1 का लक्ष्य इंटरसेप्टर वाहनों को उसके लक्ष्य तक सटीक गाइडेंस प्रदान करना है। भारत के दक्षिणी शहरों को भी BMD कवरेज का विस्तार मिलेगा और जैसे जैसे भारत अपने BMD प्रोग्राम के दूसरे चरण में आगे बढ़ रहा है, 2 नई इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी विकसित करने पर ध्यान दिया गया है जो कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे रहने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है और ये जो भारत का दृष्टिकोण है वो उभरते हुए खतरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और सुरक्षित भविष्य सुरक्षित करने के लिए भारत के समर्पण को भी दर्शाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में व्यापारिक जहाज MV Kim Pluto पर जो हाल ही में हमला हुआ था उसके बाद भारतीय नौसेना ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जिसके बाद देखा गया कि यहां पर जो ड्रोन के हिस्से बरामद हुए हैं वो ईरान निर्मित शाहिद-136 ड्रोन से जुड़े हुए हैं। दरअसल शाहिद-136 जिसका इस्तेमाल रशिया भी कर रहा है यूक्रेन वॉर में, ये ड्रोन 1100 से 1500 मील तक की दूरी तय कर सकता है और ये अपने लक्ष्य पर विस्फोटकों को डालकर खुद को भी उड़ा देता है और भारतीय नौसेना ने जिन हिस्सों को बरामद किया है उसमें एक हिस्सा शाहिद-136 के जो मध्य भाग है उसकी तरह दिख रहा है। हालांकि ईरान मना कर चुका है कि उसका कोई हाथ नहीं है MV Kim Pluto पर हमला करने की, लेकिन दोस्तों अमेरिका दावा कर चुका था कि ये ड्रोन हमला वास्तव में ईरान ने किया था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान का कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन ईरान तो भारत का अच्छा दोस्त है। हो सकता है कि ईरान किसी और मंशा से ये काम कर रहा था, लेकिन भारत ने तो कहा था कि ईरान ने कोई हमला नहीं किया। वह ईरान का भी जवाब आ गया कि हमने तो इसमें कोई अटैक नहीं किया, लेकिन एविडेंस जो मिले हैं वो इनके शाहिद-136 के मिले हैं जो कहीं ना कहीं ईरान का जो एंगल है वो इसमें जोड़ता है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के Kamov-28 को एक नया रूप मिलेगा। इसका रूस में ओवरहॉल होगा और भारत में इसे अपडेट किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपने Kamov-28 हेलीकॉप्टरों के लिए आधुनिकरण कार्यक्रम को चला रही है, जिसमें कि सभी 10 KV-28 वेरियंट जो है उनका ओवरहॉल रशिया में हो रहा है और पहले 2 ओवरहॉल जो KV-28 हेलीकॉप्टर्स है वो जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना को दिए गए थे और वर्तमान में INS डेगा में ये अपग्रेड किए जा रहे हैं
और दो और उन्नत हेलीकॉप्टर जून 2024 में भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया 2025 के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना के काम ऑफ 28 बेड़े में एक नई जान आ जाएगी। ये उन्नत हेलीकॉप्टर पनडुब्बी युद्ध, समुद्री गश्त और खोज एवं बचाव अभियानों सहित अलग अलग अभियानों में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत की समुद्री रक्षा को भी मजबूत करेंगे। इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसमें नए सेंसर्स लगेंगे, इसके अलावा टैक्टिकल मिशन सिस्टम और वेपन सूट लगेगा जो कि इस हेलीकॉप्टर की अलग अलग अभियानों में क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स पर 32 किलोमीटर रेंज वाली इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट कर लिया है और अब भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों को अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में लगाएंगी। भारतीय वायुसेना का यह फैसला तब सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने 6th जनरेशन इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। बता दें कि अब भारतीय वायुसेना भी ऐसे ही करने जा रही है। स्पाइक NLOS 4 मिसाइलें लॉन्च और कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस को कोऑर्डिनेटेड अटैक के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 97 तेजस मार्क 1 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और 120 तेजस मार्क 2 सिंगल इंजन जो एयरक्राफ्ट हैं उनका ऑर्डर देने को तैयार है। और भारतीय वायुसेना दोस्तों अब जो ये विदेशी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बात कर रही है सिंगल इंजन फाइटर जेट्स को लेकर, और इन देशों ने भी भारत के 114 MRFA कॉम्पिटिशन के तहत सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की भी पेशकश की है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का F-16 और स्वीडिश ग्रिपिन इस कॉन्टेक्ट से बाहर हो सकते हैं, यानी कि इस बिडिंग प्रक्रिया से वो बाहर हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना अब इनके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी और इसमें खास बात यह है कि रशियन फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें कि MiG-35 और Su-35 है। यानी कि ये जो कंपटीशन है वो केवल 3 कंटेंडर तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार कर दिया गया है क्योंकि पहले इसमें राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX जो वेरिएंट से वही इस कॉन्ट्रैक्ट में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने रशियन फाइटर जेट्स को भी इसमें शामिल कर लिया है। और ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रशिया पहुँचे हुए हैं और शायद वहाँ पर कई सारी बातें हो रही है रणनीतिक रूप से, इसीलिए शायद भारत ने रशियन फाइटर जेट्स को भी MRFA में शामिल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें 2024 में मिल सकता है और पहली सबमरीन की डिलीवरी 2031 तक होगी। आपको बता दें कि ये जो 3 फॉलो ऑन स्कॉर्पियन सबमरीन है वो काफ़ी एडवांस वर्जन होंगी वर्तमान में मौजूद 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की तुलना में, क्योंकि इन नई पनडुब्बियों में स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगा होगा और इन पनडुब्बियों में से आउटडेटेड जो सबसिस्टम्स हैं उन्हें हटाकर इनमें नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाएगी। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO रणनीतिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने में सबसे आगे रहा है और देश के विकास में वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अकेले BRO की 118 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। 2022-2023 में BRO का बजट व्यय 12,340 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ बैठक की है और इस बैठक के दौरान दोस्तों इंडो पैसिफिक, यूक्रेन संघर्ष, गाजा की स्थिति, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ब्रिक्स, SCO, G20 और संयुक्त राष्ट्र पर विचारों का भी आदान प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिविटी प्रयासों, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान की प्रगति को नोट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा हाल ही में पुंछ में सेना के वाहनों पर आतंकियों के द्वारा जो घात लगाकर हमला किया गया था उसके बाद हुआ है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थानीय निवासी और मृतकों के परिवार से भी बातचीत की है। वहीं राजनाथ सिंह ने सेना को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सैनिक देश को सुरक्षित रखते हैं लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा का अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों का दिल जीतना सैनिकों की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सेना ने दोस्तों आंतरिक जांच का भी आदेश दे दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कई इंटरनेशनल कंपनियां अब झांसी, लखनऊ और अलीगढ़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं और बता दें कि अब तक करीबन 6 नोड्स में 138 जो MOU है उन पर साइन किए जा चुके हैं। इन 6 जिलों में झांसी, आगरा, चित्रकूट, लखनऊ और अलीगढ़ शामिल है जहां पर डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं और बता दें कि इसके लिए करीबन 5,000 हेक्टेयर भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है जिसमें कि लगभग 1700 हेक्टेयर भूमि पहले ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आवंटित की जा चुकी है। दोस्तों, इसरो अब सूरज और चांद की गुत्थियों को सुलझाने के लिए अपने नए मिशन पर लग चुका है। इसरो 2024 में और कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। चांद और सूरज के बाद अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने का काम अब इसरो कर रहा है। इसरो अंतरिक्ष के एक्सरे सोर्स की तीव्र
ध्रुवीकरण की जांच करने के लिए अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपो सेट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि एक्सपो सेट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हो सकता है और ये भारत का पहला डेडिकेटेड पोलारीमीटरी मिशन होगा। एक बार ये अगर 650 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो जाता है उसके बाद ये अगले 5 सालों तक लगातार डेटा प्रदान करता रहेगा। इसके 2 मेन पेलोड होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ताइवान ने अब चाइना से लोहा लेने के लिए अपने स्वदेशी ड्रोन विकसित करने शुरू कर दिए और हाल ही में उस ड्रोन का उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये ड्रोन एक मध्यम ऊंचाई वाला ड्रोन है जो लगभग पूरे दिन ताइवान स्टेट की निगरानी कर सकता है और इस ड्रोन को इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से तैयार किया गया जो कि सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन कर सकता है। ये ड्रोन MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तरह लग सकता है। इसकी रेंज करीबन 1000 किलोमीटर है और ये 25,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम भी लगे हैं। ये ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली AGM-114 हेलफायर लेजर गाइडेड सबसोनिक मिसाइल से भी इंटीग्रेटेड है और इस मिसाइल में दोस्तों एंटी टैंक क्षमता भी मौजूद है। बता दें कि ये ड्रोन ऑटोनोमस लैंडिंग, टेक ऑफ, मल्टी एयरक्राफ्ट कंट्रोल और रियल टाइम इमेज ट्रांसमिशन कर सकता है।